लास्ट सेशन में ही हमने आपको पढ़ाया था कृत प्रत्यय और उसके भेदों के बारे में समझाया था। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तद्धृत प्रत्यय। तो एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे कि ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धृत प्रत्यय कहलाते हैं। फर्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञाएँ बनाने वाले तद्धृत प्रत्यय। तो देखिए, बच्चा प्लस पन बचपन, बचपन भाववाचक संज्ञा है। लड़का प्लस पन लड़कपन, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। सेकंड, कर्तवाचक से संज्ञाएं बनाने वाले तद्धृत प्रत्यय। तो पान प्लस वाला पान वाला, ये आपका संज्ञा शब्द है। चाय प्लस वाला चाय वाला आपका संज्ञा शब्द है। और दूध वाला भी आपका संज्ञा शब्द है। संबंधवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धृत प्रत्यय। संबंध मतलब काकी के, तो ससुर प्लस आल ससुराल, ये आपका संबंध बोधक है। चचेरा, ये भी आपका संबंध दिखाता है। चाचा प्लस एरा मामा प्लस एरा, फूफा प्लस एरा फुफेरा। लघुतावाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धृत प्रत्यय। तो देखिए, लोटा प्लस इया लुटिया, ये कहते हैं लघुतावाचक। खाट प्लस इया खटिया आदि। पहाड़ प्लस ई पहाड़ी, रस्सा प्लस ई रस्सी, घटा प्लस ई घंटी। विशेषण से बनने वाले शब्द, तो राष्ट्र प्लस ई है राष्ट्रीय, ये बना हमारा विशेषण राष्ट्रीय। देशीय और जातीय, ये तीनों ही शब्द, जितने भी ये जो आपके शब्द हैं, ये आपके विशेषण से बनने वाले हैं। स्थान सूचक, पंजाबी स्थान सूचक शब्द है। गुजरात, ये भी आपका स्थान सूचक शब्द है। तो पंजाब से बना पंजाबी, गुजरात से गुजराती। स्त्रीलिंग से देखिए, पुत्र में ई का प्रयोग किया गया प्रत्यय का, तो पुत्री बन गया स्त्रीलिंग शब्द। ब्राह्मण में ई का प्रयोग किया गया तो ब्राह्मणी बन गया। और लड़का में ई का प्रयोग किया गया तो लड़की बन गया। ये है हमारे स्त्रीलिंग शब्द। बहुवचन शब्द, बहुवचन से बनने वाले शब्द, जैसे सड़क आपका एक वचन है और उससे निर्मित शब्द बना एक प्रत्यय से बना सड़कें, यानी कि बहुवचन। दीवार एक वचन है और दीवारें एक प्रत्यय से बना बहुवचन। बहने, बहने भी आपका बहुवचन है और बहन आपका एक वचन है। उर्दू के मुख्य तद्धृत प्रत्यय, तो देखिए आना, तो मेहनत प्लस मेहनत में हमने आना प्रत्यय का प्रयोग किया तो बना मेहनताना। साल में हमने आना का प्रयोग किया तो बना सालाना। दर्द में नाक का प्रयोग किया तो दर्दनाक। गरीब में ई का प्रयोग किया तो गरीबी। अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। तो शब्दों से पहले उपसर्ग लगते हैं, मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगता है, मूल शब्द के बाद प्रत्यय लगता है। तो उनसे बना शब्द अपमानित, जैसे अपमान प्लस इत अपमानित। अन प्लस जान प्लस आ अनजाना। सो उपसर्ग, मूल शब्द शिक्षा, प्रत्यय का प्रयोग किया गया इत, तो बना सुशिक्षित। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? बेटा बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे लिखकर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवट, निम्नलिखित प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। तो आवट से लिखावट और बनावट, इसी प्रकार पन से अपनापन और बचपन, पूर्वक से ध्यानपूर्वक और सम्मानपूर्वक, एक से धार्मिक और लौकिक, अखड़ से भुलक्कड़ और घुमक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल शब्द और प्रत्यय को हमें अलग अलग करना है। तो धार्मिक में धर्म प्लस एक, सामाजिक में समाज प्लस एक, पूजनीय में पूज प्लस अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। थकावट में थकना और आवट का, जादूगर में जादू और घर का, लिखावट में लिखना और आवट का, दुकानदार में दुकान और दार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, यानी कि निर्मित शब्द बनाने हैं। तो खाट प्लस या खटिया, लाठी प्लस या लठिया, उसी प्रकार पढ़ प्लस आ पढ़ा, लिख में आ लिखा, और आपके ये शब्द अन्य
दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक। धार्मिक में प्रयुक्त शब्द है एक, अभी हमने आपको समझाया था धर्म प्लस एक धार्मिक। खतरनाक में प्रयुक्त शब्द है प्रत्यय है खतर प्लस नाक, तो उसमें नाक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बच्चों आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, कृत और तद्धित प्रत्ययों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय से आपका क्या अभिप्राय है? तो वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्ययों को कृदंत भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो ये पांच प्रकार के होते हैं, कर्तवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक। तद्धृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो तद्धृत प्रत्यय नौ प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे और सारे एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करेंगे। तो आज बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।